नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, GSTR 2B को लेके एक गुड न्यूज़ सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से GST पोर्टल पर जो समस्या बनी हुई थी कि हमारा जो अप्रैल 2022 मंथ का जो भी हमारा ITC था वो प्रॉपर 2B के अंदर अपडेट नहीं था, तो उसकी वजह से टैक्स प्रोफेशनल लोग, अकाउंटेंट लोग काफ़ी परेशानी में थे भी अब हमें GSTR 3B के अंदर हमारा जो ITC हमें जो क्लेम करना है वो कौन सा करना है। तो कोई कह रहा था भी आप अपना GSTR 2 के आधार पे अपना ITC क्लेम कर लो, कोई कहता आपकी जो बुक्स के अंदर जो आपका ITCR है वो क्लेम कर लो। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारा ITCR है उसको क्लेम कर भी लिया, आपने GSTR 3B को फाइल भी कर दिया, लेकिन लास्ट में जाते जाते ड्यू डेट आने से पहले GSTR 2B को अपडेट फाइनली अब कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि जस्ट अभी मैंने इसको देखा है भी इसके अंदर जैसे ही हम 2B को ओपन करते हैं तो अभी तक तो क्या आ रहा था, 2B के अंदर डाटा तो हमें यहाँ पर शो हो रहा था, बट वो मार्च 2022 का डाटा अपडेट यहाँ पे आ रहा था। लेकिन अब मार्च के डाटा के साथ साथ आपके जो परचेज यानी कि अप्रैल 2022 के जो परचेज इनवॉइस है वो भी प्रॉपर अब शो करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा भी हम इसके अंदर B2B पे जाके हम देखते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर ये जो टैक्स इनवॉइस की जो डेट है वो प्रॉपर अप्रैल मंथ का ही डाटा हमारे को यहाँ पर शो कर रहा है। 8 अप्रैल, 30 अप्रैल, 19 अप्रैल, 7 अप्रैल यानी कि इनवॉइस की डेट हमारी अप्रैल 2022 मंथ की डेट यहाँ पर आ रही है, लेकिन अभी तक ये कल तक जो ये डेट आ रही थी वो मार्च 2022 की डेट आ रही थी। तो अब यानी कि आज जो डेट है हमारी 18 मई को ये डाटा पोर्टल पे अपडेट कर दिया गया 2B के अंदर। तो आप अगर आपने 3B फाइल अभी तक नहीं करी है तो एक बार अपना डाटा 2B के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ आप वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि ये डाटा अपडेट प्रॉपर हो चुका है। अब हो सकता है ये मेरे पास अपडेट है, हो सकता है कई कई कंपनियों में अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इनवॉइस तो शो कर रहे हैं बट वो पूरे इनवॉइस शो नहीं आ रहे जितना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने सप्लायर से ये बात भी करी है, तो उन्होंने अपने GSTR 1 भी फाइल कर दिया है जिसका IFF की जो लाइबिलिटी बनती थी वो भी उन्होंने फाइल कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इनवॉइस है जो अभी प्रॉपर अपडेट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे जो अकाउंटेंट भाई लोग हैं, टैक्स प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने रात की सांस जरूर ली होगी इस अपडेट से, क्योंकि ज़्यादातर हर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट यही चाहता है कि मेरी जो GSTR 3B है वो प्रॉपर हमारी 2B के डाटा के साथ अपडेट होके ही जाए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट मंथ में या जब हमारा एनुअल रिटर्न जाए उसमें किसी भी प्रकार की ITC की कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि सेम मंथ का ITC है वो हमें सेम मंथ में ही क्लेम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से काफ़ी एक गुड न्यूज़ है GST पोर्टल पे, जो अभी तक पिछले काफ़ी दिनों से ये एक समस्या बनी हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।